नमस्कार। भारत चीन सीमा विवाद के बीच बिहार में सियासी घमासान चरम पर है। बिहार में महागठबंधन में शामिल दलों के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर रार दिख रही है। अब जब चुनाव अक्टूबर और नवंबर में होने प्रस्तावित है, ऐसे समय में जहां भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने और एलजेपी ने साफ ऐलान कर दिया है कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वहीं महागठबंधन के जो दल हैं उनके बीच में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, ये मसला ही नहीं सुलझ पा रहा है। और ऐसा लगता है कि अगर इस मसले में कहीं कोई देर हुई तो बात बिगड़ भी सकती है। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी.com। अपील आपसे मेरी यह है कि हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप इस लिंक पर क्लिक करके हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं बिहार के सियासी घमासान की। बिहार में बीते कुछ दिनों में जो महागठबंधन के तीन दल हैं इनके नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। ये दल हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के जीतन राम मांझी का दल है, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, और जो बिहार की पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी जिसके नेता हैं, इनके बीच में बातचीत हुई है। और बताया गया है कि कांग्रेस को भी इन तीनों दलों का समर्थन है। महागठबंधन में बाकी दो दल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल हैं, और जो लड़ाई जो मैं समझ पा रहा हूं जो लड़ाई है वो इस बात की है कि महागठबंधन में ज्यादा सीटें कांग्रेस ले जाएगी या आरजेडी। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं और बताया जा रहा है कि कांग्रेस का दावा लगभग 100 सीटों पर है। आरजेडी जो बिहार की पार्टी है जिसने 15 साल वहां सरकार चलाई है, वो 100 से ज्यादा सीटें चाहती है। तो ऐसे में जो गठबंधन के बाकी दल हैं जिसमें राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी है, तो इनके लिए अपने सियासी अस्तित्व को बचा पाना मुश्किल दिख रहा है। अब जब चुनाव बिल्कुल नजदीक है, ऐसे में ये लोग एनडीए की तरफ भी नहीं जा सकते, ऐसे में ये लोग महागठबंधन में से बाहर भी नहीं जा सकते, तो इनके लिए मुश्किल बहुत ज्यादा है। और इन दलों का इतना कोई बड़ा सियासी जनाधार नहीं है कि ये अकेले दम पर चुनाव लड़ सके। और बिहार के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि अगर जीतन राम मांझी को उनके मन मुताबिक सीट नहीं मिली तो वो महागठबंधन का दामन छोड़कर एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं। अगर ऐसा कोई समीकरण बनता है कि मांझी अगर महागठबंधन को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से महागठबंधन की जो नींव है बिहार में वो कमजोर होगी और इसका सीधा फायदा बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी गठबंधन को मिलेगा। कांग्रेस की जो मांग है, कांग्रेस का भी पूरा दबाव है और उसने साफ इस बात को कहा है कि तेजस्वी यादव वो राष्ट्रीय जनता दल के सीएम उम्मीदवार है, ना कि महागठबंधन के। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा साफ इस बात को कह चुके हैं कि बिहार में महागठबंधन का चेहरा कौन होगा इस बारे में अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। सीटों के बंटवारे को लेकर एक समन्वय समिति बनाई जानी चाहिए और उसके बाद इन सारे मसलों का समाधान होना चाहिए। लेकिन जून आधा निकल चुका है, समय बहुत कम है और आरजेडी अपनी तरफ से कई बार इस बात को साफ कर चुकी है कि तेजस्वी यादव ही उसके सीएम उम्मीदवार होंगे। लेकिन देखना यह होगा कि जो महागठबंधन के दल हैं ये क्या तेजस्वी यादव को स्वीकार कर पाते हैं, क्योंकि जो अभी के हालात हैं आप जानते हैं कि राजनीति में प्रेशर गेम बहुत काम करता है। अंत समय तक हर राजनीतिक दल, हर नेता सियासी मोलभाव की कोशिश करता है और अपने लिए ज्यादा सीटें झटकने की कोशिश करता है। तो अभी जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है और जो विकासशील इंसान पार्टी है, इन तीनों दलों की कोशिश है कि महागठबंधन में ज्यादा हिस्सेदारी इन्हें मिले। और कांग्रेस की भी कोशिश है कि वो महागठबंधन में, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है इसलिए उसको ज्यादा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो हालात हैं इस महागठबंधन के लिए ठीक नहीं कहे जा सकते, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 में भी इन्हें करारी शिकस्त मिली है। और अभी भी जैसे जिस तरह बीजेपी जेडीयू ने वहां पे चुनाव प्रचार वर्चुअल रैलियों के द्वारा शुरू किया है, उससे उसके मुकाबले ये दल पिछड़ते नजर आ रहे हैं। तो महागठबंधन के हित में यही होगा कि ये जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा करें, वरना जो एक वॉकओवर वाली स्थिति है वो बीजेपी जेडीयू गठबंधन के लिए बन सकती है।
बिहार के सियासी घमासान में आगे क्या कुछ नया होगा उस पर मेरी नजर बनी रहेगी और मैं satyahindi.com पर इसे आपके लिए लाता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हमारी नजर बनी रहेगी। जाने से पहले एक अपील आपसे जरूर करना चाहूंगा, सत्य हिंदी के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।